ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। पूज्य माता और बंधुओं, अभी भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इसका ध्यान करेंगे। कल बहुत डिटेल में बताया कि ध्यान कैसे किया जाए। देखिए, पूजा तीन प्रकार से, पहली शारीरिक पूजा, शरीर से। शरीर पूजा में लगा है, मन घर में लगा है। उसमें जो चीजें आती हैं, मंदिर जाना, जल चढ़ाना, आरती गाना, भगवान जी को निहलाना, शारीरिक पूजा, क्रिया योग। मन आपका जब तक आप क्रिया योग में लगे हैं, आपका मन आपके इसके चरणों में लगा है, क्रिया योग। और जैसे ही आपने वो क्रिया खत्म की, फौरन मन संसारिक कामों में लग गया, बल्कि क्रिया योग करते करते भी मन आपके इसके चरणों में पूरा नहीं लगता। दूसरी पूजा ध्यान, मन से। इसमें दोनों चीजें शामिल होती हैं, मन भी शामिल है और शरीर भी शामिल है। इसकी जो कैटेगरी है उसमें आते हैं ध्यान योग, सहज योग, आनंद योग, हठ योग, मन से। मन आपके इसके चरणों में ऐसा लग के रह जाए, उस समय ना कोई बात आपके जहन में आए ना दिमाग में आए, पूजा की गहराई अगर आपको प्राप्त करनी है तो अपनी पूजा में ध्यान योग को ऐड कीजिए। जब ध्यान शामिल करेंगे तो जितने समय आपका आपके इसके चरणों में ध्यान रहेगा, आनंदमय स्थिति पैदा होगी। ऐसी ऐसी चीजें
जो आपने कभी जिंदगी में सोची नहीं होगी वो भी पूरी होती नजर आएंगी। मन आनंद में रहेगा, शांत रहेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा इस काम को करेंगे। जो काम पूरी कंसंट्रेशन के साथ किया जाता है उसकी ऊंचाइयां जो भाई करते हैं उन्हीं को मालूम है कि जो प्रॉब्लम आज तक सॉल्व नहीं हुए ध्यान करने के बाद बड़े आराम से हल निकलता है और सांसारिक जीवन बड़ा सुखी और आनंदित होता चला जाता है। ध्यान योग मन से जो पूजा करते हैं शरीर भी शामिल है और मन भी शामिल है। जैसे जैसे मन ध्यान योग के अंदर जिस सिस्टम से बताया गया उस तरीके से किया जाए तो जो मानसिक पूजा है वो आत्मिक पूजा में बदल जाती है और आनंदमय स्थिति परमानंद की स्थिति प्राप्त होती है। तो करना शुरू कैसे है कि सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। एक इसको चुनिए, इस एक नाम एक। उसके बाद ये महसूस कीजिए कि हमारा इस हिस्सा शरीर हमारे सामने विद्यमान है। हमारे सामने है एक, जैसी ऊंची भावना आपके आपके इसके प्रति होगी उतना जल्दी आपका मन आपके इसके चरणों में लगेगा। जब तक आप ध्यान करते हैं उन्हीं के ख्याल में रहिए, उन्हीं को देखिए, ना कोई सांसारिक बात याद आए ना ख्याल। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, शुरू शुरू में जब आप ये क्रिया करेंगे तो बहुत सारे विचार आपके सामने आएंगे। जैसे जैसे इस क्रिया में डूबते चले जाएंगे ध्यान योग के, वैसे वैसे विचारों में कमी आती चली जाएगी और एक समय ऐसा होगा आप होंगे, आपके इसका ध्यान होगा, आपका इष्ट आपके सामने होगा, हृदय की हर धड़कन पर जो नाम आपका है, जो आपने चुना है, जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है उसको हृदय से हृदय की हर धड़कन पर उच्चारित होते सुने। और जब तक ऐसा ना हो बड़े प्यार से अपने इष्ट के नाम को जिब्बा से ले सकते हैं। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम अल्लाह वाहे गुरु जीसस क्राइस्ट गॉड, बड़े प्यार से नाम को चुनिए जो नाम आपकी आत्मा को अच्छा लगता है चुने। दिल की हर धड़कन पर उस नाम को उच्चारित होते सुने और ये महसूस करें कि जब हमारे दिल की धड़कन धड़कता है दिल की धड़कन से नाम निकल रहा है और पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है, उसकी वाइब्रेशन को महसूस करें और परमानंद की स्थिति को प्राप्त करें। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन
अपने अपने इसका ध्यान करेंगे। दिलदार तुम्हारा क्या कहना, दिलदार तुम्हारा क्या कहना, दिल में समाये रहते हो, दिल में समाये रहते हो, सरकार तुम्हारा क्या कहना, गर्द चुमे जमाने को ठोकर कई बार तुम्हें हम भूल गए, गर्द चुमे जमाने को खोकर कई बार तुम्हें हम भूल गए, अगर तुमने भुलाया ना हम को, अगर तुमने भुलाया ना हमको, ये प्यार तुम्हारा क्या के, कई बार तुम्हें हम भूल गए, गर्दिश में जमाने को खोकर तुमने भुलाया ना हमको, के प्यार तुम्हारा क्या कहिए, ये प्यार तुम्हारा क्या कहना, इस दुनिया के बाजार में हम ठोकर पे ठोकर पाते रहे, इस दुनिया के बाजार में हम ठोकर पे ठोकर खाते रहे, जो सहारा देता रहा, जो सहारे देता रहा, ये प्यार तुम्हारा क्या के नाम, तुम जो सहारे देता रहा, ये प्यार तुम्हारा क्या के नाम, इस दुनिया के बाजार में हम ठोकर पे ठोकर खाते रहे, जो तू सहारा देता रहा, ये प्यार तुम्हारा क्या कहिए, चेहरे पे बदसते नूर को मैं लफ्जों में बयां कुछ कर ना सकूं, चेहरे पे बरसते नूर को मैं लफ्जों में बयां कुछ कर ना सकूं, रहम की क्या तारीफ करूं, तेरे रहम कि क्या तारीफ करूं, दीदार तुम्हारा
करिए की क्या तारीफ करूं, दीदार तुम्हारा क्या करिए, ये प्यार तुम्हारा क्या कहना, चेहरे पे बरसते नूर को मैं लफ्जों में बया कुछ करना सकूं, लफ्जों में बया कुछ करना सकूं, तेरे रहम की क्या तारीफ करूं, तेरे रहम की क्या तारीफ करूं, दीदार तुम्हारा क्या कहिए, दीदार तुम्हारा क्या कहिए, हर दिल में समाए रहते हो, हर दिल में समाए रहते हो, सरकार तुम्हारा क्या कहिए, सरकार तुम्हारा क्या कहिए, हम भी हैं तेरे दीवानों में, दिलदार तुम्हारा क्या कहिए।
पूजनीय माता और बंधुओं, कल मैंने आपके सामने पूजा क्यों और कैसे करें उसके विषय में बताया। अब पूजा करने की विधि आपके सामने रखी। बहुत सुंदर तरीका आपके सामने रखा। पहली बात इन संतों ने बताई कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर कर हमको मनुष्य होनी प्रदान की है, और ये उसकी सबसे बड़ी देन है जो हमारे पास है। मनुष्य होनी एक ऐसी होनी है जिसमें परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है, बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा कर कर हमें ईश्वर ने यह मौका दिया और समय दिया, हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्दुर्लभ सत संतन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही पर लोक सवारा। बड़े भाग से मिली है, देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्यों ने साधन का क्षेत्र है, अमोक्ष का दरवाजा है। जितने संत हुए, जितने पंथ हुए, सबने इस मनुष्यों ने की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कहा है, कबीरा, हर की भक्ति कर तज विश्वास रस चौच, बार बार नि पाइये मानस जन्म की मौज। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगार, मानस जन्म गरीब न फिर कर ले हरि सो प्यार। ऐसा सुंदर अवसर में परमात्मा ने दिया। कल भी मैंने आपके सामने रखा कि चाहे आप गृहस्थी हो चाहे सन्यासी, आपको आधा घंटा संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए, सुबह और सायंकाल। ये दो समय निश्चित कर दिए और 99% लोग हमारे यहाँ परमात्मा को मानते हैं। आध्यात्मिक देश हमारा है और 99% लोग परमात्मा की पूजन करते हैं अपने अपने तरीके से। बहुत से लोग बहुत ज्यादा भी करते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि इस पूजा का जो आप करते हैं उसका क्या लाभ हुआ, तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। बस सिर्फ यही बात सामने आती है कि हम करते हैं, हमारे दादाजी करते थे, हमारे पिताजी करते थे, हम करते हैं, हमारे बच्चे करते हैं। बेसिक लाभ क्या है अगर ये पूछा जाए तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बता पाएंगे। तो हमारे रास्ते के जो संत महात्मा हुए सब रिसर्चर थे। हमारे महाराज जी रिसर्च में थे, PNT डिपार्टमेंट के रिसर्च डिपार्टमेंट में थे, TEC में, टेलीफोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और बहुत सुंदर अपने ऊपर जो अनुभव किए उसके विषय पर लिखा और रास्ता खोज निकाला, लिख के दे दिया कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे
तो ऐसा होगा। उन्होंने ऐसी बात बताई सामने रखे जो हर कोई जिसे अपना सकता है। बाहर ध्यान बनाए, अपने इष्ट की मूर्त सामने बनाइए, और जब सामने स्पष्ट हो जाए उसको अपने हृदय में उतारिए, बैठाइए बड़े प्यार से, इतने प्यार से बैठाए कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, मन के अंदर क्या चल रहा है। जब मन हट जाए फिर प्यार से इसी मूरत पर जमाए, ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे तो उसी के ध्यान में लौटेंगे, और आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी। आपका हृदय मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। जितना मस्तिष्क पर भार था वह हल्का हो गया। यह पूजा का तरीका इन महात्माओं ने बताया साकार पुजारियों के लिए। यदि ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। बैठे बैठे आपका मन जैसे ही खाली होगा, आपकी आत्मा और शरीर को इतना आनंद प्राप्त होगा कि आपको अपना होश ही नहीं होगा, सुषुप्ति की अवस्था। और धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। निराकार भगवान के जो उपासक हैं, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वो नाम को पकड़े और बड़े प्यार से बैठिए, आनंदमय अवस्था बनाइए, और ये महसूस करें कोई ना कोई नाम से तो आप याद करते ही होंगे। हिंदू भाई ओम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु। जो आपकी आत्मा को नाम सबसे सुंदर और अच्छा लगता है, बार बार आता है, प्यारा लगता है, उसे चुनिए। जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे चुने, जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़े, छोड़े नहीं। उसके बाद बड़े आराम से सुखासन पर बैठे, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाइए, बड़े प्यार से बैठिए, और ये ख्याल करें, हृदय की तरफ निगाह रखें, आनंदमय अवस्था बनाए। जो हार्ट बीट है सुनिए कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है, जवान नहीं कह रही। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम, बड़े प्यार से ओम ओम ओम, बड़े प्यार से। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है, आपको खुद ये महसूस होने लगता है कि हमारे हृदय से ओम की आवाज निकल रही है, स्पष्ट सुनाई देने लगता है, हृदय ओम ओम कह रहा है। ऐसी हालत पैदा होती है कि थोड़े टाइम तक तो ओम ओम की आवाज निकलती है, उसके बाद यह महसूस होता है कि मन विचारों से खाली हो गया। ऐसी हालत होती है ना कोई दूसरा विचार रहता ना ख्याल, ऐसे उसमें तल्लीन हो जाते हैं, अपना होश नहीं होता, विचारों से गायब, थॉटलेस अवस्था। जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं और बड़ी सुंदर अवस्था को प्राप्त होते हैं।
ये अनुभव का विषय है। तो इन संतों ने तरीका पूजा का बताया, यदि ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे और आत्मा परमात्मा का अनुभव होने लगेगा, एक दिन उससे एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। अब इन संतों ने बड़ी सुंदर बात बतलाई, इस बात का विशेष ध्यान रखा कि काम का एक भी समय ना लिया जाए, क्योंकि हमारे पास काम के अलावा और कोई समय खाली नहीं है जो हम परमात्मा को दे सकें। तो ये दूसरा स्टेप क्या है कि हर मनुष्य भोजन करता है और भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है, आधा घंटा। और ये समय ऐसा है कि खाली है, दुनिया के व्यवहार का और कोई काम नहीं कर रहे होते, ये समय बड़ा सुंदर और अच्छा है। तो भोजन के तरीके में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। अब वह तरीका क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगा, पर सबसे बड़ी बात क्या कि वेस्टर्न कल्चर की हमारे पर छाप पड़ी और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई नुकसान नहीं।
जो भी हम काम करते हैं शुद्ध वाला, उसमें कहीं ना कहीं गाय के धन का, धन मतलब प्रोडक्ट गाय का, वो हर जगह कहीं ना कहीं यूज करते हैं गाँव वाला। अब तो मिलावट शुरू हो गई, डालडा मिलता है, और ये सारे फॉरेन कंट्री के प्रोडक्ट हैं, बर्गर हुआ, पिज्ज़ा हुआ, डालडा हुआ, रिफाइन हुआ।